गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन। करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज की सीरीज़ में आज की वीडियो में हम 22 और 23 ऑफ सितंबर की जो भी करंट अफेयर है उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल कुछ प्रॉब्लम के कारण करंट अफेयर की जो सीरीज़ है हमारी नहीं आ पाई थी, इसलिए हम इसको उसको इन क्वेश्चनों के जरिए कवर करेंगे। ठीक है, तो डाउट नहीं रखना है, सारे करंट अफेयर सारे दिन के कवर हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी मत रखिए अपने दिमाग में कि किसी दिन के छूट गए तो उस दिन का भी करंट अफेयर छूट जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ओके, तो इस सीरीज़ में हम द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उनको एमसीक्यूज पैटर्न में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको जिस तरीके के एमसीक्यूज मिलते हैं उसी तरीके के एमसीक्यूज की आपके हैबिट एक बनी रहे। ठीक है, मार्किंग स्कीम को समझ लीजिए। मार्किंग स्कीम में आपको 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करना है, ताकि आप एक सेफ जोन पे फॉल करिए और जो प्रीलिम्स को एग्ज़ाम को क्रैक करने की जो 120 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी है उसको बहुत ही आसानी से क्रैक कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर 10 में से जो 6 जो हमने स्कीम रखी उसमें से आपके कम आते हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना है। 10 में से 6 से अगर कम आते हैं तो एक बार फिर से हाफ एन आवर के बाद वीडियो को रिवाइज़ करना है, और 24 आवर्स के बाद तो जिसके 10 आउट ऑफ 10 भी आते हैं उसको भी रिवाइज़ करना है, क्योंकि अदरवाइज उसकी भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि आप उसको एग्ज़ाम आने आने तक आप उसको भूल जाएंगे। ठीक है, कि एग्ज़ाम काफ़ी नियर आ रहा है, 23 सितंबर हो गई, 4th ऑफ अक्टूबर को एग्ज़ाम है, इसीलिए बोल रहा हूँ रिविज़न इज़ द सक्सेस ऑफ की, रिवाइज़ करते रहिए, अदरवाइज़ यू विल फॉरगेट ऑल द थिंग्स। ठीक है, जो भी पढ़ा सब भूल जाएंगे। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आई होप आप रिवाइज जरूर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लोकेटेड इन द साउथ चाइना सी। तो बताना है इनमें से कौन से तीन आइलैंड हैं, मतलब कौन से ये जो आइलैंड्स हैं ये साउथ चाइना सी में लोकेट करते हैं इन तीनों में से। फर्स्ट है प्रताश आइलैंड, सेकेंड है सेंकाकू आइलैंड एंड थर्ड है पैरासल आइलैंड्स। ठीक है, तो बताना कौन से इसमें करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा और सही टिक किया होगा। देखिए सबसे पहले मैप में चल के देखते हैं, उसके बाद समझते हैं इस चीज़ के बारे में। देखो यहाँ पे जो हमको साउथ चाइना सी है ये इसको नाइन लाइन बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे जो नाइन लाइन बॉर्डर है इस पे जो चाइना करता है ये इसका क्लेम अपना बताता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से आपके आइलैंड फॉल करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो स्पार्शली आइलैंड मेन है, पैरासल आइलैंड है, प्रताश आइलैंड है। ठीक है, तो ये जो आइलैंड है ये कुछ मेन आइलैंड है, और इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे आइलैंड और भी हैं। ठीक है, और ये ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे सेंकाकू दायवो आइलैंड करता है जो ताइवान इस ऊपर पड़ता है। ठीक है, ये आपका साउथ चाइना सी के साइड नहीं आता है। देख लेते हैं हमें इधर पे कौन कौन से आइलैंड आपके आते हैं, तो यहाँ देखिए पढ़ भी लेते हैं यहाँ पे जैसे द सेंकाकू दायवो आइलैंड इज अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट ओवर अ ग्रुप ऑफ अनहैबिटेड आइलैंड अमंग जापान पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि जो साउथ चाइना सी में प्रताश आइलैंड तो आता है और पैरासल भी आइलैंड आता है, लेकिन जो सेंकाकू आइलैंड है इसी के कारण जो डिसप्यूट बना हुआ है किसके बीच, जो डिसप्यूट है आपका चाइना और जापान के बीच, जिसके कारण ये न्यूज़ में था इसीलिए इसको हमने डिस्कस किया है। तो जो सेंकाकू आइलैंड है बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ये साउथ चाइना सी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, याद रखिएगा, है तो आसपास के ही रीजन में बट ये इट इज़ नॉट फॉलिंग ऑन द साउथ चाइना सी। ठीक है, तो दैट वाई आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये आपकी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, और 1 और 3 मतलब सी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन सैंक्शन इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व ऑन महात्मा गांधी बर्थडे 2 अक्टूबर। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा सैंक्शन किया गया इंटरनेशनल डे है जिसको महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर के दिन इसको याद किया जाता है, इसको मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। सेकंड है द 2020 थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज शेपिंग पीस टुगेदर। कि जो 2020 की थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की, इसका जो थीम है ये शेपिंग पीस टुगेदर ये है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 only, ऑप्शन बी 2 only, ऑप्शन सी 1 और 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो यूनाइटेड नेशन सैंक्शन इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व और महात्मा गांधी बर्थडे 2 अक्टूबर, देखिए ये स्टेटमेंट कर रहे थे
यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस को सैंक्शन तो ज़रूर करता है इस इंटरनेशनल डे को, लेकिन इस डे को 2 अक्टूबर को नहीं मनाया गया, इट इज़ ऑब्जर्व ऑन 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर को मनाया गया है, क्योंकि थीम रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रोबेबिलिटी भी होती है कि इसको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को बनाया है। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी ऑब्जर्व किया जाता है, और जिसकी जो थीम है शेपिंग पीस टुगेदर, ठीक है, शेपिंग पीस टुगेदर इसकी थीम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, तो बी विल बी योर राइट आंसर। कुछ और चीज़ें देख लीजिए इसके ऊपर कि जो इंटरनेशनल डे है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1981 को बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है, 2 decades लेटर इन 2001 में क्या हुआ, जो जनरल असेंबली थी उसने यूनैनिमसली वोट किया था कि डेजिग्नेट किया जाएगा डे एज अ पीरियड ऑफ नॉन वायलेंस एंड सीज फायर, ठीक है, कि इस जो ये जो डे है इसको नॉन वायलेंस और सीज फायर, ठीक है, कि कोई इसका उल्लंघन ना करे, फायरिंग इसमें ना करे, सीज कर दी जाए वो सारी चीज़ें, ठीक है, उसके लिए इस डे को क्या किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, और जिसके लिए 2020 में अभी थीम दी गई है शेपिंग पीस टुगेदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, चांसेस है कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वेयर आर मैगरेब एंड सहेल रीजन लोकेटेड। तो मैगरेब एंड सहेल रीजन कहाँ लोकेट करते हैं, ऑप्शन ए साउथ अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया एंड ऑप्शन डी इंडिया। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, देख लेते हैं, ठीक है। अभी जो मैगरेब है और सहेल रीजन है ये काफ़ी न्यूज़ में थे, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर हमने सोचा क्वेश्चन बना देता हूँ इसके ऊपर, ताकि आपको पता, ये रीज़न का भी नाम समझ में जाएगा और जो आपका एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैगरेब एंड सहेल रीजन ये आपका अफ्रीका में लोकेट करते हैं, तो बी विल बी राइट आंसर। आप देखते हैं अफ्रीका के अंदर कहाँ लोकेट करते हैं, तो जो मैगरेब है ये सब रीजन है नॉर्थ अफ्रीका का, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका का, दैट इज़ इफेक्टिवली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड, ठीक है, जो किसका है, वेस्टर्न पार्ट है अरब वर्ल्ड का। द रीजन इंक्लूड, इस रीजन के अंदर देख लीजिएगा, मैगरेब रीजन के अंदर अल्जीरिया, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, टूनिशिया, विच आर ऑल मेंबर स्टेट ऑफ द अरब मैगरेब यूनियन। तो अरब मैगरेब यूनियन के अंदर ये 5 countries आती हैं, आपको इनका नाम याद रखना है कि अल्जीरिया, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को एंड टूनिशिया। तो दीज आर द 5 countries हु आर द पार्ट ऑफ द अरब मैगरेब यूनियन, ठीक है। और जो सहेल है ये एक इको क्लाइमेटिक एंड द बायो जियोग्राफिकल रियल में ऑफ ट्रांजिशन इन अफ्रीका के अंदर, जो बिटवीन सहारा टू द नॉर्थ एंड द सुदानियन सवाना टू द साउथ, इन दोनों के बीच फॉल करता है, ठीक है। तो जो सहेल रीजन है कहाँ कहाँ करता है फॉल, ठीक है, ये रीजन है ना, कोई कम्प्लीट टेरिटोरियल वो किसी के कैपिटल वपिटल कुछ भी है, तो ये सहारा और सुदानिया सवानिया जो है साउथ में, उस इन दोनों के बीच में फॉल करता है। थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। ये देखो आप यहाँ पे, ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है किसका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, तो वहाँ पे ये मैगरेब वाला लोकेशन पूरा फॉल करता है, जहाँ पे आपको मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और जो सहेल वाला रीजन है ये थोड़ा सा सहारा डेजर्ट वाले में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है और न्यूज़ में था, इस तरीके के अंदर से क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाते हैं, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के ऊपर पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। आज 2 statements हैं क्योंकि ये न्यूज़ में थी, इसलिए इसके ऊपर बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, इट इज़ यूज टू अल्टर DNA sequences एंड मॉडिफाई जीन फंक्शन, कि इसका यूज़ किया गया है DNA sequences को अल्टर करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए जीन फंक्शंस को। सेकेंड है, द टाटा क्रिस्पर टेस्ट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट टू डिप्लॉय अ Cas9 प्रोटीन टू सक्सेसफुली डिटेक्ट द SARS-CoV-2। कि जो टाटा क्रिस्पर टेस्ट है ये वर्ल्ड का फर्स्ट डायग्नोसिस, मतलब एक प्रकार से जो रोगों का निदान करने वाला टेस्ट है, ताकि डिप्लॉय किया जा सके Cas9 प्रोटीन को, ठीक है, बॉडी के अंदर सक्सेसफुली, ताकि डिटेक्ट किया जा सके SARS-CoV-2, जो कोरोना वायरस 2 का एक क्या है, वायरस है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 only, ऑप्शन बी 2 only, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं।
चलो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ये फर्स्ट में बिल्कुल करेक्ट है कि इसका यूज़ किया जाता है डीएनए सीक्वेंसेस को अल्टर करने के लिए, ताकि जो जीन है, जो जीन होते हैं हमारे, ठीक है, जिनसे हमारा जो जन्म होता है, हमारे माता पिता संबंध होते हैं, उनको मॉडिफाई किया जा सके। ठीक है, उनको मॉडिफाई किया जा सके, इसके लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और सेकेंड जो टाटा क्रिस्पर टेस्ट है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट डायग्नोस्टिक इस तरीके का टेस्ट है जिसमें Cas9 प्रोटीन को सक्सेसफुली डिटेक्ट करके SARS-CoV-2 को रिडेट करने के लिए इसको क्या किया जाएगा, बॉडी के अंदर डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि अच्छे तरीके से इसमें जो सारी फैसिलिटीज़ है इसकी, उसका उपयोग किया जा सके, और ये जो कोरोना वायरस 2 है इसका डिटेक्शन अच्छे तरीके से इस वायरस का किया जा सके। ठीक है, तो राइट आंसर सेकेंड भी हो जाएगा, इसलिए सी दोनों में करेक्ट होने का राइट आंसर क्या हो गया, सी सी विल बी राइट आंसर। आप कुछ और चीज़ें देख लीजिए, जो क्रिस्पर, जिसको क्रिस्पर, किसका फुल फॉर्म क्या है इसको, क्लस्टर रेगुलरली इंटर इंटर स्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये क्रिस्पर का फुल फॉर्म है। ये टेक्नोलॉजी है, टूल है जो एडिटिंग जीनोम्स, ठीक है, जो हमारे जीन्स होते हैं उनको एडिट करने का काम करता है। इट अलाउ रिसर्चर टू ईजिली अल्टर डीएनए सीक्वेंसेस एंड मॉडिफाई जीन फंक्शन। ठीक है, क्रिस्पर जो होती है एक स्पेशलाइज स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए होती है, जिसमें जो प्रोटीन Cas9 जो होता है, जिसको क्रिस्पर एसोसिएटेड 9, ठीक है, Cas9 का फुल फॉर्म ही है क्रिस्पर एसोसिएटेड 9। ये एक एंजाइम है जो एक्ट इस तरीके से करता है, अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है, एक मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह काम करता है, जो भी जो अनवांटेड आपकी बॉडी में थिंग्स होती है उनको क्या कर देता है, कट कर देता है। कैपेबल ऑफ कटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ डीएनए, ठीक है, स्टैंड्स ऑफ डीएनए, तो ये जो स्टैंड्स ऑफ डीएनए होता है उनको काटने में भी हेल्पफुल होता है। और जो क्रिस्पर टेस्ट है ये पावर्ड बाय CSIR, ठीक है, जो भी आपका CSIR है, ठीक है, उसको और IGIB, ये दोनों इंस्टीट्यूट ने मिलकर इसको, और FELUDA फ्लोरिडा ने रिसीव किया रेगुलेटरी अप्रूवल्स रिसेंटली फ्रॉम द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इन सभी ने मिलकर इसका अप्रूवल लिया है, ताकि इसको कमर्शियली लॉन्च किया जा सके। ठीक है, तो ये इसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इस तरीके की फर्स्ट ऐसी डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसको डिप्लॉय किया जाएगा, स्पेशली अडॉप्टेड किया जाएगा Cas9 प्रोटीन के लिए, सक्सेसफुली जो हम COVID-19 वायरस का डिटेक्शन कर सके इसलिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, ऑल मेंबर ऑफ कंट्रीज और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉकेशस 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज। तो क्या संघाई कॉर्पोरेशन के सारे मेंबर कॉकेसस 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड है, रशिया इज़ द ओनली ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री बिटवीन एशिया एंड द यूरोप, की रशिया केवल एक पहली ऐसी कंट्री जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है एशिया और यूरोप के बीच में। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी वन एंड टू, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए ऐसा तो कहीं पॉसिबल नहीं कि सारी कंट्री किसी सिंगल जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की सारी कंट्री किसी सिंगल एक मिलिट्री एक्सरसाइज का पार्टी जो उसके पार्टिसिपेंट हो सके। तो पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई। ठीक है, कॉकेसस ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो रशिया में होने वाली है। ठीक है, जिसको अभी इंडियन रिसेंटली मना कर दिया क्योंकि उसमें चाइना पार्टिसिपेट कर रहा है, और चाइना जिस तरीके की हरकतें कर रहा है इसीलिए इंडिया ने क्या किया कि वो इस मिलिट्री एक्सरसाइज का पार्ट इस साल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट में आपकी रॉन्ग हो जाती है। और रशिया इज़ द ओनली ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि रशिया का कुछ पार्ट एशिया से रिलेट करता है और रशिया का कुछ पार्ट यूरोप से रिलेट करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर सी, सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो इंडिया हैज़ पुल्ड आउट ऑफ रशियाज कैपकेस 2020, जिसको कॉकेसस, देखो इस एक्सरसाइज का दो नाम है, एक कैपकस नाम है और दूसरा कॉकेस। तो एग्ज़ाम में किसी भी नाम से आपको मिले आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ताकि आपसे वहाँ पे भूल ना हो। ठीक है, तो जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, मतलब जो SCO हो आपका, उसके जो सारे मेंबर नहीं है, कुछ मेंबर जो हैं वो इसके पार्ट है। जैसे स्टेटमेंट टू में करेक्ट दिया गया है कि फाइव कंट्रीज़, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो एशिया और यूरोप का पार्ट है, तो फाइव कंट्रीज़ में आप देखें। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी देखो इनकरेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पहली इनकरेक्ट है और दूसरी भी इनकरेक्ट है। आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ बता दिया था जो तीसरी, आई थिंक मैंने यहाँ पे आंसर को गलत बताया। ठीक है, रशिया इज़ द ओनली ट्रांसकॉन्टिनेंट कंट्री, ये भी गलत है। ठीक है, रशिया बस केवल ट्रांसकॉन्टिनेंट कंट्री नहीं है, इसलिए सी नहीं है, इसका आंसर डी है। गलती से आपको लग गया मुझसे,
ठीक है, तो डी विल बी योर राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो 5 कंट्रीज देखिए, अजरबैजान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, रशिया एंड तुर्की फॉल विद इन बोथ यूरोप एंड रशिया। ठीक है, तो ये जो 5 कंट्री है ना, ये यूरोप में भी फॉल करती है और हमारे एशिया वाले पार्ट में भी फॉल करती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि रशिया इज़ द ओनली ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री हु फॉल इन द रशिया एंड सॉरी हु फॉल इन द एशिया एंड यूरोप। तो याद रखिएगा, ओनली अगर आए तो वहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना, जैसे अभी मैं हो गया थोड़ा सा। तो कोशिश करिए इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा एक्सकलेट करिए। और मैं वैसे ही बताता हूँ, जहाँ पर ओनली आए बट इस तरीके के जो शब्द आते हैं वहाँ पर थोड़ा सा रुक के आंसर दीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली साइन द अब्राहम एकॉर्ड। अभी ये सारे पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिविजन के लिए इसको लगाया है कि अब्राहम एकॉर्ड अभी किस किस कंट्री ने साइन किया है। ऑप्शन ए जॉर्डन, ऑप्शन बी सॉरी फर्स्ट जॉर्डन, सेकंड इसराइल, थर्ड है बहरीन। तो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या। देखिए, अब्राहम एकॉर्ड साइन करने वाली केवल 3 ही कंट्रीज थी, जो इज़राइल है, बहरीन है और आपका यूएई है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है, जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी बी। ठीक है, ये मैंने पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा। तो इज़राइल एंड 2 अरब गल्फ कंट्रीज को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन करते हैं हैव फॉर्मली एंड पब्लिकली इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन इज़राइल के साथ करने के लिए इसको साइन किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और UAE एंड बहरीन आर द थर्ड एंड द फोर्थ अरब कंट्रीज़ टू ओपन डिप्लोमेटिक रिलेशन। और UAE एंड बहरीन ऐसी तीसरी और चौथी ऐसी कंट्रीज बनी है जो डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल के साथ ओपन कर रही हैं। इसके पहले इजिप्ट एंड जॉर्डन वर द फर्स्ट टू, वो पहले थी जो, बट आज उनके बीच में इस तरीके की रिलेशन है वो नहीं कर रहे हैं। और UAE एंड बहरीन डो नॉट हैव एनी टेरिटोरियल डिस्प्यूट विथ इसराइल नॉर हैव दे बीन एवर एट वॉर विथ इट। ठीक है, UAE और इसराइल बहरीन के बीच ऐसी कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है इसराइल के साथ, UAE और बहरीन के, इसलिए ये दोनों क्या कर रही हैं, इसके साथ आगे वर्क कर रही हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन आगे अच्छे बढ़ा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज ए वेब के ऊपर। दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इलेक्शन ऑफिशियल ऑफ मेंबर नेशन। ठीक है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करती है इलेक्शन ऑफिशियल्स को ऑफ मेंबर ऑफ नेशन। ठीक है, जो मेंबर ऑफ नेशन से होते हैं। सेकेंड है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ मेंबर ऑफ द एसोसिएशन। कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं वो इसके मेंबर ऑफ एसोसिएशन होते हैं। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। तो इसके अंदर जो मेंबर ऑफ नेशंस होते हैं, ठीक है, मतलब इट प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इलेक्शन ऑफिशियल्स ऑफ मेंबर ऑफ नेशन। तो मेंबर ऑफ नेशंस के जो भी इलेक्शंस के वाले जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, इज़ अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन, वो इसके मेंबर ऑफ एसोसिएशन है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने का राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर विल बी सी। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में कि नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ द रिपब्लिक कोरिया फर्स्ट प्रपोज द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी इंस्टीट्यूट टू द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA इन 2010। तो इस तरीके का अगर पहला फर्स्ट टाइम किसने स्टार्ट किया था, तो इसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने इसको स्टार्ट किया था, आप याद रख लीजिएगा। और अवेब सेक्रेटरीट प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इलेक्शन ऑफिशियल। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराया जाएगा ऑफ मेंबर ऑफ नेशन को, जिसके अंदर जो कंट्री हैं वो वर्क करेंगी प्रोग्राम एट द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके अंदर वर्क कराएंगी। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये इसका क्या हैगा, मेंबर एंड हैज़ बीन वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए वेब सिंस 2011 एंड 12 तक का है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि जो प्रोसेस रहेगी फॉर्मेशन की वो दो जो सिंस 2011-12 जैसी चलती आ रही, लगभग उसी तरीके से कुछ कुछ चलती रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ECI जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है होस्टेड द फोर्थ जनरल असेंबली ऑफ ए वेब ऑन 3rd September 2019 एट बेंगलुरु एंड टुक ओवर अ चेयर अ वेब फॉर 2019-20। तो अभी जो इलेक्शन कमीशन है उनके पास ये चेयर है 2019 से 2021 तक, इसलिए न्यूज़ में था, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है?
फर्स्ट है INS विक्रांत, क्या इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। सेकंड है राफेल, क्या ट्विन इंजन मल्टी रोलर फाइटर एयरक्राफ्ट है। एंड थर्ड है अस्त्रा, क्या बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो आई होप आपने इसका आंसर सही दिया होगा। देखिए INS विक्रांत ये एक इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, बिल्कुल करेक्ट है। याद भी रखना कि इसको हमने खुद ही बनाया है, ठीक है। इंडियन नेवल ये जो शिप है जिसका नाम विक्रांत है, इसको ये एक इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट है। सेकंड राफेल, जिसको अभी रिसेंटली हमने परचेस किया है, ठीक है। डेसॉल्ट राफेल भी कहा जाता है इसको, क्योंकि डेसॉल्ट कंपनी ने इसको बनाया है। क्या ये ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि इसके अंदर 2 इंजन है। एंड थर्ड है अस्त्रा, क्या ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि अस्त्रा भी आपकी क्या है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, राइट आंसर आपका डी हो जाता है, ठीक है। आई होप आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर बॉर्डर विद ब्लैक सी, इनमें से कौन सी कंट्री ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करती है, ये बताना है। फर्स्ट है बेलारूस, सेकंड बल्गेरिया एंड थर्ड है जॉर्जिया। कौन से स्टेटमेंट में करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए मैप में देख लेते हैं, फिर पता चल जाएगा। ये देखिए ये रही ब्लैक सी की लोकेशन। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि रोमानिया हो गया, रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, टर्की हो गया, बल्गेरिया हो गया, तो ये कंट्रीज़ हैं जो क्या करती हैं। ऊपर यहाँ ऊपर आप देखेंगे यूक्रेन हो गया, यहाँ पे मोल्डोवा हो गया। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये किससे, ब्लैक सी से अपना बॉर्डर टच करती हैं, ठीक है। अब चलते हैं और अपने आंसर में देखते हैं कौन कौन से जो हमारे क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग आंसर सही है। तो बल्गेरिया दिया था, जॉर्जिया दिया था, बट बेलारूस नहीं दिया हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी बी, मतलब 2 एंड 3 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है द लोकसभा पास द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल 2020, इन विच स्टेट विल द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश। तो अभी रिसेंटली में लोकसभा, मतलब रिसेंटली लोकसभा ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल 2020 पास किया है। अब इनमें से कौन सी सिटी जिसमें राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट गुजरात, ऑप्शन सेकेंड राजस्थान, ऑप्शन थर्ड बिहार एंड ऑप्शन फोर महाराष्ट्र। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते हैं राइट आंसर, राइट आंसर इसका ए है, मतलब फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। गुजरात विल बी द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, मतलब गुजरात विल बी द फर्स्ट स्टेट जो क्या करेगा, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करेगा। कुछ चीज़ें इसके बारे में देख लीजिए कि अभी जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल 2020 पब्लिश किया गया है, इसका जो की इसकी ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर कि यूनिवर्सिटी इंक्लूड करेगी प्रोवाइडिंग डायनेमिक एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग एंड रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग अ वर्किंग एनवायरनमेंट डेडिकेटेड टू एडवांसिंग रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द डोमेन ऑफ पॉलिसिंग। तो इन जो भी पॉलिसी रहेगी उसके अंदर एक अच्छी खासा लर्निंग एंड रिसर्च की स्टैंडर्ड फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि डेडिकेटली एडवांस रिसर्च की जा सके, और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डोमेन भी पॉलिसी के अंदर दिए जाएंगे। तो ये कुछ इसके एम है जो इस यूनिवर्सिटी, जो आपकी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल के अंदर दिए जा रहे हैं, जिसको गुजरात में इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपकी एक भी इस तरीके की लेटेस्ट नोटिफिकेशन ना रुके, ठीक है। और जितना भी स्कोर आया हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, 10 में से अगर 6 में से कम भी आया हो तो घबराना नहीं है, उसको लिखना है और वापस हाफ एन आवर के बाद रिवाइज करके अपने ही स्कोर को एडिट करके वापस लिखना कि 10 out of 10 आए हैं, ठीक है। और जिसने भी 6 के ऊपर स्कोर किया उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है। और इसी तरीके अच्छे से स्टडी करते रहिए, 4th अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स अच्छे से निकल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।